तो आज बहुत दिन बाद फिर से मैं जाने बना बनाने जा रहा हूँ वीडियो, नया वीडियो। आज हम लोग जा रहे हैं मुकाम्बिका। मुकाम्बिका इज़ अ टेम्पल इन कोल्लूर। आई डोंट नो वेदर इट इज़ इन उडुपी डिस्ट्रिक्ट और नॉट, बट ये पास में ये मंदिर है। पास नहीं, इतना पास नहीं है। इट इज़ 75 किलोमीटर्स फ्रॉम उडुपी रफली। तो उडुपी से 75 किलोमीटर है, तो ड्राइव करके जा रहे हैं। हम लोग जा रहे हैं और एक और फैमिली, हम लोग साथ में मुरुदेश्वर कहते हैं, अजीत और उसकी वाइफ और उसका बच्चा। तो मेरी फैमिली और उसकी फैमिली दोनों जन जा रहे हैं। और मैंने सुना है कि ड्राइव बहुत अच्छा है यार वहाँ का, तो बहुत मज़ा आने वाला है। ये देखो टुडेज अटायर, ये शर्ट है और ये नॉर्मल कैरेट फिट ट्राउजर्स। तो मज़ा आने वाला है, चलते हैं। इवान तो अभी सो रहा है, सो के उठेगा फिर बदमाशी ना करे, बस फिंगर्स क्रॉस्ड। और लेट्स सी व्हाट हैपेंस, व्हाट फन अवेट्स फॉर अस। पर रास्ता अच्छा है, तो आई विल डेफिनेटली बी मेकिंग व्लॉग, तो डू चेक आउट। चलो कंटिन्यू द वीडियो फ्रॉम माय कार। अभी आकांक्षा बैठ गई है ब्रेकफास्ट करने के लिए, बेचारी को भूख लगा था, बहुत ज़्यादा मेहनत करती है। इवान को सुलाई है, क्या कर रही है? अच्छा, रास्ता पर यहाँ का सीन जो है ना यार, पीछे मंदिर के ठीक पीछे पहाड़ है। कहाँ है ये वो मंदिर का रास्ता? अंडे से बच के चलो रे बाबा, मुझे नहीं लगता कि अंदर वीडियो अलाउड होगा, तो वीडियो मैं अंदर नहीं बनाऊंगा। और वीडियो कंटिन्यू नहीं करता हूँ मंदिर से दर्शन करने के बाद। बाहर से हम लोग निकल गए, और बाहर निकलने के बाद कुछ ऐसा मौसम हुआ। और ये सीन देखो, ये जो पहाड़ देख रहे हैं ना, ये वेस्टर्न घाट्स है। वेस्टर्न घाट्स का कोई होगा हिल विल, बहुत सुंदर लग रहा है। यहाँ पे शायद लोग ट्रैकिंग करने के लिए जाते होंगे। यहाँ से पास में एक है कोडाचाद्री ट्रैक, वहाँ पे भी लोग जाते हैं ट्रैक करने के लिए। इवान, ब्यूटीफुल प्लेस। मेरे पीछे ये लोकेशन देखो, एकदम मुकाम्बिका वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है उसके बीच, और उसके बीच में ये रेस्टोरेंट। तो यहाँ पे हम लोग जा रहे हैं खाने, होपफुली फूड अच्छा होगा। चलते हैं देखते हैं। अच्छा, भीड़ तो लग रही, क्योंकि बाकी टूरिस्ट वाले बसेस भी यहीं पर हैं। इस रेस्टोरेंट का नाम दिखाता हूँ, ये है होटल निसाग्रा, वेज है, प्योर वेज फैमिली रेस्टोरेंट। चलो चलते हैं अंदर। एम्बियंस तो वैसे ही नॉर्मल होगा, अच्छा है जो भी है। अंदर चलते हैं, खाने में भी मंगाते हैं कुछ।
आज आकांक्षा को मन नहीं था, क्योंकि मन नहीं था खाना बनाने का, क्योंकि बहुत ज़्यादा बेचारी थक गई थी यार। गाड़ी में बैठे बैठे कौन नहीं थकता है ना। हाँ बहुत ज़्यादा थक गई थी, मतलब लिटरली थक गई थी, मजाक नहीं उड़ा रहा हूँ आकांक्षा। तो मैंने मंगाई है साउथ इंडियन थाली। साउथ इंडियन मतलब आई थिंक दिस डिश इज पर्टिकुलर टू कैनरा रीजन, कन्नड़ा व्हाटएवर, ये डिश यहीं का है। देखते हैं क्या क्या है इसमें। ये है रसम 100%। ये है चटनी, अचार, ये आलू का कुछ है, कुछ है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कुछ है क्योंकि मुझे पता नहीं क्या है। मुझे ये भी नहीं पता कि वो आलू ही है, ये तो सब्जी है। सब्जी में भी पता नहीं क्या है। ये शायद सांभर है। ये पत्ता गोभी का भुजिया, खुल जा दोस्त। और ये डेजर्ट लड्डू है, लड्डू अब अलग से लड्डू है, थोड़ा बड़ा बूंदे वाला है। इसमें है दही, इसमें है बटर मिल्क। तो ये सारा कुछ है खाने का, और इतना सारा है प्लास्टिक। तो रेस्टोरेंट्स प्लास्टिक मत यूज़ करो, थोड़ा कागज़ यूज़ कर दो यार। सो आई होप कि आज का वीडियो आप लोगों को बहुत अच्छा लगा होगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा दूर गया, फिर आते समय यार मेरा सर बहुत ज़्यादा दर्द होने लगा था, इसीलिए ज़्यादा कुछ वीडियो नहीं बना पाया। तो होपफुली आई थिंक यू हैव लाइक दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ 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 भाई लोग, बहन लोग, सब लोग, मेरे दोस्तों, दीवानों, सब लोग प्लीज़ वीडियो को यार लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब करो। अगर आप देख रहे हो ये वीडियो तो चैनल को सब्सक्राइब, अगर नहीं किया तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू द चैनल एंड शेयर दिस वीडियो एज मच एज यू कैन। नहीं करना तो मत भी करो, लेकिन यार प्यार बहुत दिखाओ यार मेरे वीडियो पे, क्योंकि यार मेरे वीडियोस पे ज़्यादा ना व्यूज़ आते हैं, ना लाइक्स आते हैं, ना कमेंट कोई करता है। प्लीज़ डू समथिंग फॉर मी पीपल प्लीज़। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। नेक्स्ट वीडियो जब भी आएगा उसमें देखते हैं, मिलते हैं हम लोग। हाँ मिलेंगे कैसे, क्योंकि आपको सब्सक्राइब करना पड़ेगा, तो सब्सक्राइब ज़रूर करना।